हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिवर्जन टेस्ट क्यों करते हैं किसी प्रोडक्ट का। बेसिकली एचडीपी पाइप का रिवर्जन टेस्ट हम क्यों करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों ज़रूरी होता है रिवर्जन टेस्ट करना, आज इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों टेस्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं। रिवर्जन टेस्ट करने का मुख्य कारण है पाइप का सिकुड़ना या फैलना। वो हमको देखना है कि जब हमारे पाइप में गर्म पानी अप्लाई होगा तो वो कितना फैल सकता है और ठंडा पानी अप्लाई होगा तो कितना सिकुड़ सकता है, क्योंकि ये सिकुड़न और फैलना हमारे जो लाइनअप होता है पाइप में ज्वाइंट के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा ज़्यादा होता है, ज़्यादा सिकुड़ता या फैलता है तो हमारा ज्वाइंट जो है टूट या फट सकता है, जिसके कारण हमको फिर से लाइन अप करना पड़ेगा पाइप का। क्योंकि हम सभी प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, प्लास्टिक लाइन से जुड़े हैं, प्लास्टिक फील्ड में हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपको शायद ये पता भी होगा कि जो मटेरियल होता है वो मटेरियल श्रिंक ज़रूर करता है, श्रिंक या फैलाव ज़रूर होता है मटेरियल में। तो इस वजह से उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट में बेसिकली हम एचडीपी की बात करें तो एचडीपी में 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपका टेस्टिंग का वीडियो तो हम लोग दे चुके हैं कि रिवर्जन कैसे करते हैं, रिवर्जन टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने करके एक वीडियो उसका ऑलरेडी डाल चुका है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको हमारे डिस्प्ले पे उसका वीडियो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस यही वजह है और दूसरा कोई वजह नहीं है रिवर्जन टेस्ट करने का, क्योंकि हम पाइप जब डालते हैं तो उसमें ठंडा पानी भी जाएगा, गर्म पानी भी जाएगा, या फिर हो सकता है कि हम किसी पहाड़ी इलाके में पाइप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मियाँ होती है वहाँ पर पाइप फैलेगा, हो सकता है ठंड प्रदेश में भी वो यूज हो तो वहाँ पे पाइप सिकुड़ेगा। तो हम उसमें जो कपलर ऐड करते हैं, जैसे दो पाइप, बड़ा बड़ा पाइप तो बनता नहीं, जो भी पाइप अगर ज्वाइंट में करना होगा वहाँ पे कपलर यूज करेंगे, और जब कपलर यूज करेंगे तो अगर श्रिंक ज्यादा होगा हमारा अगर तो कपलर से निकल जाएगा, कपलर से निकल जाएगा, और अगर उसका जो फैलाव है वो ज्यादा होगा तो लीकेज कर जाएगा या फिर आपका कपलर फट जाएगा। ठीक है, यही मेन रीजन है हमारा रिवर्जन टेस्ट करने का। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस वीडियो में बन रहिए, अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री या प्लास्टिक फील्ड से जुड़े हैं तो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, थैंक यू।